वीगार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल, बोलो जुबां केसरी। राम मंदिर, 3 तलाक, 370, जो माइलस्टोन वर्क किए थे सनातनियों ने उसको भी इग्नोर कर दिया। ये आ रहे ना लोटा को, ये भी कांग्रेस को नहीं आते, इतने खपा कांग्रेस से लोगों। अरे इसीलिए तो इतने उफान पे आए, नहीं तो इतनी मेहनत भी नहीं कर पाते ये लोग। चुनाव के परिणाम आ गए हैं और इंदौर में तकरीबन 4 रिकॉर्ड बने हुए हैं, साथ ही एनडीए एक बार फिर सरकार बनाने हुए जा रहा है। हम इंदौर की एक चाय की दुकान पर मौजूद है, बता दें ये चाय की दुकान काफी फेमस है और कुछ लोग को से हम बात करते हैं। भैया सबसे पहले इंदौर का जिस तरह से परिणाम आया क्या देखते हैं आप? इंदौर ने 2 रिकॉर्ड बनाए, नोटा 2 लाख के करीब और शंकर लालवानी जी 11,75,000 करीब वोट से जीते हैं। तो ये तो खैर वोट होने ही थे, लेकिन जिस तरह से देश के परिणाम आए हैं वो अपेक्षा अनुरूप नहीं थे। जिस तरह से मोदी जी ने काम किया था, राम मंदिर, 3 तलाक, 370, जो माइलस्टोन वर्क किए थे सनातनियों ने उसको भी इग्नोर कर दिया। सनातनियों का इस तरह से पीछे हटना बहुत गलत है, समाज के लिए, देश के लिए। नोटा इंदौर ने जिस तरह से रिकॉर्ड बनाया उसको लेकर क्या कहेंगे, क्या इंदौर की जनता? नहीं, नोटा पे भी इंदौर की जनता को इतना साथ नहीं देना चाहिए था, लेकिन फिर भी विचारधारा के फॉलोअर होते हैं, एक विचारधारा के फॉलोअर थे, उन्होंने वोट किया और एक वर्ग विशेष का ध्रुवीकरण हुआ, उसका वोट नोटा के कारण हुआ। ये ध्रुवीकरण के कारण नोटा गया, ध्रुवीकरण के कारण ही नोटा हुआ, ध्रुवीकरण के कारण ही जो देश के रिजल्ट आए वो भी ध्रुवीकरण के कारण ही थोड़े से डिस्टर्ब हुए हैं। कुछ एक दो चीजें ऐसी हो गई जिससे लोगों को, लेकिन बसपा को भी अच्छे वोट मिले हैं, तीसरा बड़ा इंदौर। बसपा में, बसपा एक अलग तरह से निकल के आया, जिसके वोट जो कैसे मिले समझ नहीं आया, क्योंकि ऐसा बसपा को कोई जनाधार इंदौर में दिखता नहीं है। हो सकता है जातिवाद के कारण हुआ हो या कोई व्यक्तिगत उसकी कोई ऐसी रिपोर्ट हो, तो इमेज हो ऐसी। कुछ और लोगों से हम बात करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर बहुत सारे लोग मौजूद है, चाय की दुकान मौजूद है, यहाँ पर कई लोग चाय पीने के लिए आते हैं। दादा कल का परिणाम को लेकर क्या कहेंगे? वो तो शुक्र मना, वो भाजपा में आ गया, उतर के ये वोट भी नहीं आते क्या? कौन से वोट? ये जो नोटा में आए ना, ये जो आ रहे ना नोटा को, ये भी कांग्रेस को नहीं आते, इतने खपा कांग्रेस से लोगों। क्या तो ये नोटा को लेकर है कि जो ये कांग्रेस से खपा है लोगों, वो चला रहे ना अपना पप्पू खप्पू कर रहे हैं, बहुत उससे खपा, कुछ आता है ही नहीं, बस चल रहा है। लेकिन कल तो पप्पू जो खप्पू खप्पू कर रहे हैं वो काफी जोश में थे, जिस तरह से ये जोश किस काम का? स्ट्रांग होना ना मोदी जी है ना, थोड़ी बना ली सरकार, बना ली क्या सरकार? तो मोदी जी ने बनाई ना, होता है चलता रहता थोड़ी हार। मोदी जी का तो नारा था 400 पार का। हाँ होता है, कोई जरूरी तो वो थोड़ी करने बैठे थे, खुद थोड़ी आए लोग। अरे इसीलिए तो इतने उफान पे आए, नहीं तो इतनी मेहनत भी नहीं कर पाते ये लोग। मोदी जी के पूरे चेहरे पे चुनाव लड़ा जा रहा था, 400 पार का नारा दिया जा रहा था। मोदी जी है, खास तो मोदी जी है ना, लेकिन उसके बाद बीजेपी ने जादुई आंकड़ा नहीं छुपाई, क्या कारण रहा? अयोध्या जैसी सीट हार गए, कुछ फैक्टर खराब हो गए, कुछ बातें, कुछ नेता लोग, कुछ चुने जो चुने गए प्रतिनिधि, बहुत सी चीजें ऐसी रही। लेकिन मोदी जी पूरे देश में प्रचार प्रसार कर रहे थे, चेहरा मोदी जी थे, फिर क्या कारण ही थे? मोदी जी ही थे, क्या कारण रहे जो देश चल गया? अब पूरा काम मोदी जी ही कर देते और क्या, बाकी कौन? लेकिन मोदी जी भी एक राउंड में पिछड़ गए थे काशी में, तो वोट परसेंट भी कम हुआ, उससे भी फर्क पड़ा। बाकी नहीं बजा सकते हो क्या है, सोचो ना, अयोध्या राम मंदिर, इतनी कमाई, इतना व्यापार व्यवसाय है, वहां से हरा दिया, क्या कारण रहा है? क्या आगे पहुंच गए? इंदौर को लेकर क्या बोलेंगे, इंदौर में जो नोटा हुआ? अरे इंदौर तो जो बेवकूफ लोग थे वो नोटा में गए, और कौन? समझदार व्यक्ति ने तो जिसी को दिया ना, जो पार्टी के साथ था, समझदार व्यक्ति ने तो उसी को दिया ना नोटा। बेवकूफ वो सबसे बड़ा बेवकूफ जो अपने वोट की ऐसी की तैसी कर रही, अपने वोट खराब कर लिया उस व्यक्ति ने। तो आपका क्या कहना है, क्या होता? एक बात बताओ, नोटा में डाल दिया, क्या हो गया नोटा में डालने से? वोट कुछ बदल गया? हाँ चल, परिणाम आया उसको लेकर क्या कहना चाहिए? मैं तुम्हारे एक्चुअली मिल सकता बहुत जोरदार है, मत आपसे मिलना है। फिलहाल नोटा को लेकर लोगों के अपने अपने मत है, यहाँ पर कई और लोग मौजूद हैं, हम बात करते हैं। कल जिस तरह से एक पूरा परिणाम रहा, इंदौर के परिणाम की बात करें तो किस तरह का परिणाम रहा? बहुत अच्छा परिणाम रहा, हम पूरे देश में नंबर 1 आए हैं। इंदौर की जनता बहुत जागरूक जनता है,
और इंदौर ही नहीं, मैं तो कहता हूँ पूरा एमपी भगवा मय हो गया है। तो पूरे एमपी ने आज देश के अंदर बहुत अच्छा साथ दिया और इंदौर में हम बहुत अच्छे मतों से जीते हैं। 11 लाख वोट से पूरे देश में जीतना, और मुझे लगता है कि आने वाले समय में यदि अगर सीटें बढ़ती है तो ये रिकॉर्ड कोई नहीं तोड़ पाएगा। लेकिन नोटा ने भी एक रिकॉर्ड बनाया 2 लाख के आसपास, लेकिन वो गलत हुआ। नोटा देखो, हमें लोकतंत्र है हिंदुस्तान में, और इस लोकतंत्र में बहुत सारे देश ऐसे हैं जहाँ पे उनको मताधिकार ही नहीं है, वोट ही नहीं डाल पाते हैं। ये तो हमको सौभाग्यशाली कि हमको वोट डालने का अधिकार मिला हुआ है, और यदि अगर हम हमारे वोट का उपयोग नहीं कर रहे हैं और नोटा का उपयोग कर रहे हैं तो ये हमारे लिए शर्म की बात है। नोटा डालने वालों के लिए ये बड़े शर्म की बात है, उनको नोटा नहीं डालना, भले वो किसी अन्य उम्मीदवार को दे देते, किसी को भी दो, आप अपने मत का कम से कम उपयोग तो करो। नोटा ठीक थोड़ी है, ठीक है। आप क्या कहना चाहेंगे नोटा? इस तरह से लोगों का एक ही मत है कि जो नोटा डाला है उन्होंने अपने लोकतंत्र को सही तरीके से पहचाना नहीं, और यही कारण है कि इंदौर में जिस तरह से नोटा डाला, यही एक कारण है। इंदौर से TV9 भारत के लिए संदीप मिश्रा। वी गॉट प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।